Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Hey guys, welcome to अपना YouTube चैनल DBM, बोले तो डायनेमिक बॉय मोइन। सो बेसिकली गाइज, मैं आज से व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। व्लॉगिंग में जैसे मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, बाइकिंग का बहुत शौक है, या वहाँ खाने पीने का बहुत शौक है। पीने का मीन्स वो वाला पीना नहीं, नॉर्मल जो फूड होता है, स्ट्रीट फूड वगैरह का बहुत शौक है। सो मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है कि ताकि मेरी थोड़ा बहुत मेमोरी सेफ हो जाए। ऐसी यूट्यूब पे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है तो थोड़े बहुत अपनी क्रिएटिविटी या जैसे जो भी शौक हो वो मैं दिखा पाऊँ, अपने साथ सबके साथ शेयर कर पाऊँ। वैसे अपने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा लेना चाहता हूँ मैं। मेरा नाम मोइन, आप तो समझ गए होंगे नाम के साथ चैनल के। मैं बेसिकली मुंबई 58 से बिलोंग करता हूँ, और सेकेंड चीज मुझे पैशन है मेरा बाइकिंग। सो ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, ना ही इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं। एक चीज गाइज, मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं जो शूट कर रहा हूँ वो मैं नॉर्मल एंड्रॉइड मोबाइल से कर रहा हूँ, एंड जो मेरे हेलमेट में भी कैमरे का वो एक्शन कैमरे का। आई डोंट हैव GoPro या आई डोंट हैव एनी आईफोन। तो नॉर्मली आप लोगों को थोड़ा साउंड क्वालिटी या थोड़ा ऑडियो क्वालिटी या जो भी होगा वीडियो क्वालिटी में थोड़ा फर्क दिखने में आ जाएगा, बट जैसी तैसी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, होप आई विल चेंज। मैं जरूर उस पर चेंजेस अपने करूंगा। तो अब बात करते हैं कल की तैयारी करनी है। जैसे मुझे मेरे बाइक्स के लिए जैसे मुझे गियर्स वगैरह जो भी है मेरे निकालने पड़ेंगे, साफ वगैरह करके रखने पड़ेंगे। तो जैसी जैसी सुबह होगी, सुबह हमारा यहाँ से कुछ प्लान है 6 बजे निकलने का। वी आर इन अंधेरी, तो अंधेरी टू मरीन लाइन हमें पहुंचने के लिए कम से कम 1 घंटा, बहुत मैक्स टू मैक्स 1 घंटा बहुत है, बिकॉज 45 मिनट्स तो नॉर्मल एवरेज में कोई भी पहुंच जाएगा, एंड आधे घंटे में तो ऐसे ही पहुंच सकते अगर स्पीड से जाए तो। बट हम ज्यादा राइडिंग नहीं करते, हम लोग नॉर्मल हमारी स्पीड पे चलते, ऑल लाइन पे चलते हैं। सो गाइज, पहले अपने आपको थोड़ा मैं ये पैक कर लेता हूँ। वैसे पैकिंग में मुझे ज्यादा कुछ लेना तो नहीं है, बस मेरे हेलमेट के लिए जो माउंटिंग वगैरह जो है वो फिट कर लूंगा, एंड सेकेंड चीज लूंगा जो कि 15 अगस्त को मिलेगी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। सो गाइज, जैसे हमारा प्लान था सुबह 6 बजे निकलने वाले थे, सुबह के 6 तो बज गए, बट बिकॉज ऑफ हैवी रेन आज बारिश सुबह से बहुत ज़्यादा आ रही है। सो ग्रुप मेंबर्स ने सबने डिसाइड किया है कि थोड़ा लेट निकलेंगे, भले ही हमें थोड़ा फ्लैग हॉस्टिंग वगैरह पता है नहीं मिल पाएगी, बिकॉज लेट हो जाएगा हमें वहाँ पहुँचने के लिए, बट फिर भी एक स्मॉल राइड के लिए हम जाके आएंगे मरीन लाइन्स वगैरह। सो 7:30-8 बजे तक हमने डिसाइड किया है, तो लेट्स सी कब तक जाके आते हैं। जैसा भी रहेगा आपको अपडेट मिल जाएगा। तो गाइस, फाइनली हम निकल रहे हैं, 10:15 बज चुके हैं। हमारा निकलने का टाइमिंग सुबह 6 बजे का था, बट बारिश की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई हमें, बट फिर भी फाइनली हम निकलने वाले हैं। तो मेरे आगे सब बाइकर्स मौजूद है, मेरे मिस्टर बाइकर्स के, वैसे 2 बाइकर्स और आने वाले थे बट बिकॉज ऑफ रेन वो नहीं आ रहे। करण जो कि डियो राइडर है, एक लौते जो कभी नहीं डरते किधर भी आने जाने से, एंड बुलेट राइडर हमारे अक्षय गोतल आगे। तो सबसे खास चीज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो कि मेरे लाइफ में मेरी प्रायोरिटी है, वो है ये डोमिनस, मेरी बे, मेरी जान, मेरी सब कुछ इसको बोल सकते हैं, गर्लफ्रेंड सब यही है मेरी, जिसे मैं प्यार से डोमिन बोलता हूँ। मैं राइड पे जाने से लेके हर जगह आने जाने से लेके मैं इसी पे आता हूँ, इसी पे जाता हूँ। एंड मेरी जो सेकेंड ऑप्शन मेरा हॉर्नेट है जो मेरे भाई की है, वो भी बट मेरे पास ही रहती है कभी कभी। तो लेट्स
बिगन। वैसे तो बहुत छोटी राइड है, मरीन लाइन में तो लोग ऐसे जाके आ जाते हैं, तो हम भी ऐसे जाके आ जाते हैं। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि मरीन लाइन जा रहे तो ही ब्लॉक कर रहे, बट कभी कभी बाइकर ग्रुप के साथ छोटी राइड में भी बड़े राइड का मजा लेना जरूरी है। ये अंकल ने हमको डरा दिया, शुरुआत में ये इस हिसाब से जैसे पुलिस वाले हो, तो हम लोग डर गए कि किससे कुछ क्राइम तो नहीं किया अभी। तो उनके बेटे को फोटो क्लिक करना था हमारे साथ, कितना अच्छा लगता है ना। इसका ब्लॉग में जो एक फुटेज कट करना पड़ेगा, इज्जत नहीं दे रहे। इतना अच्छा लगता है सब कोई आके फोटो ऐसा कहीं क्लिक करता है, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ जाती है। तो मरीन लाइन तो हम आ गए थे, बट मरीन लाइन से थोड़ा फ्लाइट चेंज हो चुका है और हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। तो देखिए मरीन लाइन के लिए निकले थे, बट वहाँ थोड़ा पहुंच के जैसे थोड़े चेंजेस हो गए कि लाइक मेरे बड़े भाई को गेटवे ऑफ इंडिया की याद आ गई, तो उन्होंने कहा कि पहले गेटवे देख ले। बट गेटवे के बहुत सारे रोड्स बंद होने की वजह से हम जैसे जैसे करके ये एंड पे तो आ गए। एंड पे आने के बाद भी ये रोड बंद है, देखिए सामने वो गेटवे है और आगे पुलिस वाले भी सब खड़े। सो आई थिंक कुछ हुआ रहेगा या कुछ प्रॉब्लम की वजह से आगे जाना अलाउड नहीं है, बट देन ऑल्सो एंजॉय द मोमेंट। हमारी बाइक सो लग गई लाइन में। ये पानी की बूंदे। सो गाइस, मिला तो आपको मेरे हमारे मिस्टर बाइकर्स के कबीर सिंह उप बुलेट राजा उप अक्षय गोताड़ से, जो किसी एनएस राइडर हमारे। वैसे वो 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी, बट 6 रुपए के लिए भी अब क्या बताओ आपको, मुंह चेहरा छुपा रहे देखिए। बट कोई बात नहीं, जैसे भी है, एक नंबर बाइकर है, एक नंबर दोस्त है हमारे। सो लेट अस मीट माय ब्रदर माय अपाचे मित्र उफ हरीश। वैसे आपको ये जो आगे दिख रहे हैं, ये है मिस्टर बाइकर्स के सबसे ज्यादा एक्टिव और प्लान बनाने में या कोई भी चीजों में बहुत आगे रहते हैं। इनका नाम है निखिल गायकवाड़, CBR 250 के राइडर है। बट इनका एक पेज है यूट्यूब पे बैड एंड निक्स करके, तो गाइस जाके जरूर इनको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आ गए हम वापस हमारे डेस्टिनेशन पे जो कि है मरीन लाइन। वो हो बारिश और हवा और मरीन लाइन, मुंबई की आन शान, जो कि इसे क्वीन नेकलेस भी बोला जाता है। रात के टाइम इसका जो व्यू होता है मुंबई का, इसको तो अच्छे से पता होगी ये जगह, बट जो मुंबई का जिस जगह को लॉकडाउन में मिस कर रहे हैं वो देख सकता है बारिश पे क्या माहौल है। दूर दूर तक पूरा फॉग है, कुछ नहीं दिख रहा है, बट हमारे बाइकर्स मजा लेने के लिए कितने अच्छे हैं। बारिश वैसे मेरा फोन वाटर प्रूफ नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, ब्लॉग है करना पड़ेगा। तो फोटोग्राफी वगैरह शुरू हो गई है। हरी जी बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं। मिला तो मेरे भाई से, वैसे भाई का मैं बात कर रहा था, जिसका नाम है मुजाहिद, हॉटलेट राइडर, मेरा इंस्पिरेशन। मैं कहाँ भी जाता हूँ मोटिवेट करने के लिए सबसे आगे, पैसा खर्च करने में भी आगे, सब चीज़ों में आगे। कुछ शायद बारिश बढ़ रही है, इन्हें अभी भी फोटो शूट की पड़ी है, पीछे सब पोजीशन के पीछे पड़े हैं कि फोटो लिया जाए ताकि ब्लॉग में वगैरह में इंस्टा बनाने के लिए काम आ जाए। बारिश बहुत ज़्यादा जोर से बढ़ रही है एंड अरे आज के इतना काफ़ी होगा, अच्छा हुआ ब्लॉग घर पर जाने के बाद रास्ते में देखते कुछ मिल गया मुझे निकालने के लिए, बारिश की वजह से निकाल नहीं पाऊंगा। Oh, 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 oh
गाइस हम लोग पहुंच गए घर पे, आधे पौने घंटे में हम लोग घर पे आ गए। वैसे हम लोग का रिक्लेमेशन जाने का प्लान था, बट एक दोस्त को जरा काम था तो उस वजह से सब लोग अपने घर पे वापस आ गए। फ्रेश वगैरह हो गए हैं, खाना वगैरह खा के सब फ्रेश हो गए। सो लेट्स सी नेक्स्ट राइड हमारा कब बनता है। तो अगर गाइस आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। कुछ गलती अगर मेरे से हो गई या मुझे जो नहीं करना चाहिए था, अगर कोई अच्छा अगर फीडबैक है या बुरा फीडबैक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा आप। एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिए। एंड मेरे इंस्टा आईडी नीचे मेंशन की हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और कोई भी अपडेट मेरी रहेगी राइड्स के रिगार्डिंग या कहीं के लिए भी ब्लॉग के रिगार्डिंग, वहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएगी। सो टेक केयर गाइज़।